नमस्कार दोस्तों, गढ़वाली रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाड़ी नूण पीसना बताऊंगी। ये हमारे पास नमक है, इसमें थोड़ी सी ये लहसुन की कलियां हैं, ये छोटा सा अदरक है, ये हमने पहले ही जीरा भून के रखा है, और ये थोड़ा सा लहसुन के हरे पत्ते हैं, और ये हरी मिर्चें हैं 8-10, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इसे हम हरा धनिया को बारीक काट लेंगे। ये नमक आप कभी भी नींबू की खटाई बनाओ और सलाद सुलाद के लिए, फल फ्रूट किसी भी फ्रूट की चाट बनाओ उसके लिए ये बहुत ही सुंदर होता है। इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे, ये थोड़ा सा हींग है। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। इसे जितना हम बारीक पीसेंगे उतना ही स्वाद बनेगा। अब ये पीस चुका है, इसे हम किसी कांच के बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम कभी भी सलाद या फ्रूट में नींबू की खटाई बनाए तो इसे यूज कर सकते हैं। देखो ये नमक हम किसके साथ खाते हैं हम बताएंगे आपको। ये हमने अमरूद लिया है, अमरूद को काटेंगे और इसमें नमक लगा के खाएंगे। और जैसे मंडवे की रोटी है और नींबू की खटाई ची अपना खटाई बने की तय, हम लोग सर्दियों में अक्सर हम खटाई में लूनी पीसी तय खा डाली तय खाना ले, यू हम अमरूद में नमक लगे ये लून लगे कि तय चटपट लून पीसू जो ये तय लगे हम न, और इन माँ लगे कि तय है। देखा दगड़ियो अमीन यू अमरूद तय काटी तय लून लगे, और अब हम चले ये तय खाणू तय। आप भी एक बार देख लान और लून पीसी तय और ट्राई करीन वे तय, तुम कभी भी नींबू खटे बने कि तय सलाद बने कि तय कुछ भी चीज को दे रोटी बने कि तय, और आप भी देखें और ट्राई करें एक बार, और अधिक अधिक हमारे वीडियो से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।